अच्छा, किसी और के पास जो सिनेरियो हो, कोई एग्जाम का सिनेरियो या जो कोई उनका केस है, मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा रादर देन गिविंग यू अ थ्योरेटिकल सिनेरियो। तो हमारे जो बाकी ऑडियंस हैं, अगर उनमें से कोई सिनेरियो हो तो हम आमना के साथ लेके चल सकते हैं उसको। जी, किसी के पास कोई सिनेरियो या कोई एक्चुअल केस ऐसा जो इस तरह का प्रॉब्लम केस हो? लास्ट टाइम मैडम हमारा जो एग्जाम में आया था, तो एमसीपीएस के एग्जाम में, वो अगर कोई कैंडिडेट बैठा किसी के पास है तो वही दे देना कि फिर वही कर ले। अच्छा, एमसीपीएस के एग्जाम में नहीं आया कोई ऐसा केस? पता नहीं मैडम, एफसीपीएस का नहीं। चलो ठीक है, या आया किसी था मैडम को जोन के एग्जाम में, बट वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो एक रोल प्लेयर बैठा हुआ था, वो पीएचडी थी क्या उसकी, हाईली एजुकेटेड थी, उसकी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस थे एंड प्री कंसेप्शन वो आई थी काउंसलिंग के लिए। अगर और भी किसी को याद हो तो ऐड करना चाहे तो। वो एक्चुअली में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का केस था। मेरा ख्याल है कि हमने काउंसलिंग, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग वाला तो कर लिया था शायद पिछली दफा। जी, वो ऐसे लिए विद एंटीफॉस्फोलिपिड दोनों। ये तो हमने कवर कर लिया था पिछली दफा। जाहिर है एसएलई के साथ भी एपीएलएस तो हो सकता है, ठीक है, तो वो दैट कैन बी पार्ट ऑफ द सिंड्रोम एंड एपीएलएस कैन बी अ रीजन फॉर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस एज वेल। तो ये सिनेरियो सारे मिक्सअप हो सकते हैं और इट कैन बी एन आइसोलेटेड एंटिटी कि जिसमें और कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ उसमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज है या रिकरेंट एबॉर्शन जो हम कहते हैं, वो फर्स्ट ट्रेमेस्टर के भी हो सकते हैं, सेकंड के भी हो सकते हैं। तो और दूसरी चीज ये कि चले एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इसमें किसी के प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ ऐसा एनकाउंटर हुआ हो किसी का केस के साथ, तो भी वो हमसे शेयर कर सकता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, चले ठीक है, फिर इसको हम खुद ही थ्योरेटिकल एक बना लेते हैं। सपोज अ पेशेंट हो, अब इसमें बहुत मिक्सअप चीजें हो सकती हैं। जी मैडम, एक पेशेंट थी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। जी जी बताइए। हेलो मैडम, एक 23 इयर्स की एक यंग बच्ची थी। वो मैरिड फॉर 2 इयर्स थी और 4 मिसकैरेजेस थे और हस्बैंड कजन मैरिज थी और दोनों का जो ब्लड ग्रुप था वो दोनों नेगेटिव था। तो उसके जो चारों मिसकैरेजेस थे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर थे और 6 or 7 वीक्स के थे। बेटा आप दोबारा से बताइए, मैंने रजिस्टर नहीं किया। मैरिड फॉर हाउ मेनी इयर्स? जी मैडम, मैरिड फॉर 23 इयर्स, 2 इयर्स। 23 इयर्स तो एज है, मैरिड फॉर मैम 2 इयर्स इन्होंने बताया। ओके, 2 इयर्स। और इसके अलावा 2 साल मैडम। जी ठीक है बेटा, 2 साल मुझे समझ आ गई, लेकिन इसके अलावा और क्या उसका सिनेरियो था? और ये था मैडम, वो भी आई थी 12 वीक्स प्रेगनेंसी के साथ और स्पॉटिंग के साथ आई थी और 4 उसके मिसकैरेजेस थे और हस्बैंड और वाइफ दोनों का जो ब्लड ग्रुप था वो नेगेटिव था। अच्छा ठीक है, 4 प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉसेस जी इन लास्ट 2 इयर्स। जी ठीक है, और दोनों बोथ वर नेगेटिव। जी ओके, तो आमना के साथ हम शुरू करते हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया था। अब ये कह रही है, ये क्या 12 वीक्स में आई है बिकॉज़ 40 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है। सपोज ये ऐसा केस आपको एग्जाम में आ जाता है एज एन एक्सटेंडेड टॉक्स, ठीक है, तो हाउ यू विल प्रोसीड ऑन? ये केस है और स्ट्रक्चर्ड वाइवा है, ठीक है, क्योंकि बात हम स्ट्रक्चर्ड वाइवा का कोई कंपोनेंट लेके उसी को डिस्कस कर रही होती है। जस्ट लाइक प्रीवियस केस में हमने हमारा जो था, जो केस था वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग से ही रिलेटेड था, तो अगर जो उसको हमने पूरे का पूरा कंप्लीट किया, लेकिन उसमें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में आपने रोल प्लेयर की काउंसलिंग करनी होती है बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब ये केस है जो जिसके प्रीवियस 4 प्रेगनेंसी लॉसेस हैं और नाउ शी हैज कम एट 12 वीक्स प्रेगनेंसी एंड नाउ शी इज कंप्लेनिंग ऑफ स्पॉटिंग और 23 इयर्स है मैरिड फॉर लास्ट 2 इयर्स। हाउ यू विल प्रोसीड ऑन? ये स्ट्रक्चर्ड वाइवा की तरह से हम इसको चलाएंगे। जी आमना,
अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू द पेशेंट एंड देन आई विल कंफर्म द डिटेल्स. देखो बेटा, एक मिनट. इस वक्त हम काउंसलिंग सेशन नहीं हमारा हो रहा उसमें, ठीक है ना. ये एक स्ट्रक्चर्ड वाइवा है जिसमें आप एग्जामिनर के साथ इंटरेक्ट कर रही हो. ठीक है, काउंसलिंग मैडम. आई हैव रेड द सिनेरियो एंड आई एम रेडी फॉर द डिस्कशन. ठीक है. What information you will gather from the patient? My patient is 23 years old. She's married for 2 years, and she's presented with four miscarriages and came at 12 weeks. First of all, I will confirm. I will after the introduction and after asking her education status. I will confirm the details that are present in the scenario from the patient. Then I will ask her. Then I will ask her about about age to mention and blood group be mentioned. About is she and her husband is it a cousin marriage or not? Then I will ask about the previous ops history. Starting from the previous ops history, I will ask about the details of the miscarriages. That they are early first trimester miscarriages or a second trimester miscarriages, and how they end up. Is there any medical terminations or sir? I will inquire about detail of each miscarriage, starting from 1, 2, 3, 4. That how she conceives, how she confirms, how it ended up, and is there any see fetus or not? Is there an anomaly present in fetus or not? And I will ask. Then I will go to the. Rule out the causes for these miscarriages. Is there any chromosomal cause or is there any infection in the first trimester, like flu-like illness, fever, and rash? And is there any if she had any second trimester? If she had second trimester miscarriages, then about the any uterine anomaly, any septate, arcuate, or bicornuate uterus, and then any history of cold and heat intolerance, weight gain, hirsutism, any history of medical disorders, any history of fetal anomalies, any family history of recurrent abortions, and in her sister and mother, and aur kya puchhe isme. causes mein madam ye genetic chromosomal uterine ya APLS ke liye first trimester miscarriages ya endocrine medical disorders ya anomalies ye hi usse se zyada causes aur any UTI pyelonephritis ya GBS ye sab infections mein hi aa jayega to thik puch lenge aur PCOD prolactinomas ke liye any history of nipple discharge, headache, visual disturbance aur uske baad any acha uske baad jo general template hota hai any previous surgery, any medication she is taking, any investigation she had done up till now, and any pap smear done or any drug allergy, and any contraceptive history, and the social history. Aajay madam mere saal mein history mein ye cheeze puchhenge. Acha chalo ab hum isko yahin pe rok ke zara share kar lete hain baki sab ke saath bhi. To baki audience mein se koi bhi aisa jo isme is pe zara comment karna chahega, was it too long or missed some points, ya uska kuch order of presentation was up and down? मैडम इस पे एक तो जब स्टार्ट में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी उसको पहले हमें वो करना था कि प्रेजेंट प्रेगनेंसी को हमें पहले फोकस करना होता है. ठीक
क्योंकि प्रेजेंट प्रेगनेंसी शी इज एट 12 वीक्स, कब से उसको स्पॉटिंग है या और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका कोई स्कैन हुआ हुआ, फीटल कार्डिक एक्टिविटी के बारे में क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें हैं. और एंड शी इज ऑन व्हाट मेडिसिंस नाउ इन दिस प्रेगनेंसी, मे बी विद रिगार्ड टू द प्रीवियस अबॉर्शन लॉसेस शी हैज ऑलरेडी टेकन मेनी ड्रग्स, तो उनमें से उसकी भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. तो अभी मौजूदा प्रेगनेंसी का भी जो स्टेटस है उसमें हमें देखना पड़ेगा. मैडम इसमें फिर मेडिकेशन वगैरह पूछ के इसका करके फिर जब हमने दूसरा रेंडम थी थोड़ी हिस्ट्री कोई पहले पूछे क्रोमोसोमल कॉजेज फिर सर्जरी की हिस्ट्री और इस तरह मतलब एक पहले कॉजेज रूल आउट करके फिर हमने उसके जाना था बाकी हिस्ट्री पे फिर आगे इन्वेस्टिगेशन. इसलिए कि ये जो है ये एक कंसेक्यूटिवली शी इज नाउ इन फिफ्थ प्रेगनेंसी विद द प्रीवियस फोर लॉसेस, तो इसमें जो है वो चीजें जो इसमें दूसरी चीज ये कि जो इन्फॉर्मेशन आपको सिनेरियो में दी गई हो उसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती अनलेस के अनश्योर ऑफ डेट्स हो तो उसमें आपने कुछ चीजें जरा मजीद पूछनी होती हैं. तो इसमें प्रेजेंट प्रेगनेंसी को सारा डिस्कस करके पेन है कुछ और एसोसिएट कंप्लेंट्स तो नहीं है स्पॉटिंग तो स्पॉटिंग कब से है कितनी अमाउंट है उसकी क्या सारा कुछ और फिर उसके जो व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉजेज जो पॉसिबल कॉजेज हैं उसकी जो प्रीवियस अबॉर्शन के व्यू पॉइंट में और मौजूदा स्पॉटिंग के भी व्यू पॉइंट से वो सारी की सारी आप अभी पूछोगे. और उसमें हाउ यू विल डिफाइन द एनोमलीज क्योंकि प्रीवियस अबॉर्शन में तो हम एनोमली पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकते अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है. अलबत्त अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है तो यकीन 24 वीक से पहले पहले ही होगी. मैडम सॉरी आप बात काट रही हूँ, वो रोल प्लेयर अगर हो तो वो तो मतलब जिस तरफ हमें लेके चलता है हम उसी तरफ चल पाते हैं. बिल्कुल उसमें ये आप सही कह रहे हो और ये चीज हम बहुत दफा पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि स्ट्रक्चर्ड वाइवा भी दो तरह का होता है. एक तो वो होता है जिसमें आप एज इट इज जैसे आपने अभी बताया कि ये भी पूछूंगी. लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वाइवा ऐसा होता है जिसमें आपको एग्जामिनर बताता जाता है कि इसकी कजन मैरिज है नहीं है, इसकी स्पॉटिंग जो है वो दो दिन से है, या इसके साथ एसोसिएटेड पेन भी है और वजाइनल डिस्चार्ज भी है, और इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है जो आप पूछोगे वो बताते जाएंगे कि प्रीवियस इसके आरपीएससी कभी टेस्ट नहीं हुए, कभी हिस्टोपैथोलॉजी नहीं हुई. सो एवरीथिंग इज इन वेग वेदर एनोमली थी या नहीं थी. एंड ऑल एबॉर्शंस वर एट 12 वीक्स लेस देन 12 वीक्स और उसमें कोई थायराइड कोई मेडिकल डिसऑर्डर अदरवाइज नहीं है. एंड प्रीवियसली शी हैज नॉट बीन टेकिंग एनी ड्रग एक्सेप्ट फॉर दिस फॉलिक एसिड एंड लोपिन. ये इस तरह से एक नैरो डाउन अप कर लेते हो उसको, ठीक है ना. जब आपके पास एक सर्टन इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आपका केस एक फोकस्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, वो एक डायग्नोसिस पे आप पहुंच जाते हो. बट व्हेन द स्ट्रक्चर्ड वाइवा इज एन ओपन एंडेड वाइवा यानी जिसमें आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एंड यू आर जस्ट गोइंग इसको वेग तरीके से आप चला रहे हो कि अच्छा मैं ये भी पूछूंगी और इफ एबॉर्शन इज लेस देन 12 वीक्स या 10 वीक्स तो ये वाले होंगे टेस्ट, या एबॉर्शन मोर देन 10 वीक्स तो ये होंगे टेस्ट. सो एवरीथिंग इफ एंड बट के साथ चलती है फिर उसमें जो सारी डिस्कशन होती है. बट वेन एग्जामिनर टेल यू ऑल द फाइंडिंग्स आस्क्ड बाय यू तो वो फिर एक यूनिडायरेक्शनल वाइवा हो जाता है. तो इसलिए जो है वो हम इसको इस तरीके दो तरीके से चलता है. ओपन एंडेड में अभी हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं सो दैट एवरीथिंग कैन बी कवर्ड एंड द टॉपिक कैन बी कवर्ड. अदरवाइज जब आप इसको नैरो डाउन कर लेते हो तो डिस्कशन ज्यादा आसान हो जाती है क्योंकि उसमें फिर आप टाइम जो है उसको लिमिट करना या टाइम को मैनेज करना ज्यादा आसान हो जाता है बिकॉज देन यू हैव टू फोकस ऑन सर्टन पर्टिकुलर डिजीज पर्टिकुलर कॉज पे आप फोकस करते हैं. फिर आप ये नहीं कहते कि अगर इसको हाइपोथायरायडिज्म होगा तो मैं ये करूंगी या पीसीओ होगा तो मैं ये करूंगी, ये सारी चीजें नहीं फिर आपको करनी पड़ती. तो ये दो तरह से ये चीजें होती हैं. अच्छा इसमें अब ये कॉजेस का सारा आपने पूछ लिया, एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, कोई प्रीवियस हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, या उसमें कजन मैरिज का भी आपने पूछ लिया, क्रोमोसोमल कभी कोई उसके आरपीओसीएस टेस्ट हुए या ना हुए, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी और इन द प्रीवियस प्रेगनेंसीज,
या कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई कार्डियक डिजीज और लाइक दैट, या कोई अदरवाइज कोई और मेडिसिन तो नहीं ले रही किसी और प्रॉब्लम के लिए. तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप इसको इस तरह से ओपन एंडेड तरीके से आप पूछोगे. अब इसमें जो है वो आ जाती है बात उसमें अब फर्दर इंफॉर्मेशन की, वही जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो दूसरा पार्ट है. अच्छा, इसमें जब कॉजेज आपने बता दी तो फिर आपने पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछना है. पास्ट हिस्ट्री में वही फिर प्रीवियस टू फोर प्रेगनेंसी लोसिस है, उसकी डिटेल आ जाएगी. और वो सारी डिटेल, कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई उसको मतलब और इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ये सारी चीजें जो है वो पूछनी पड़ेगी. चलें जी, अब इसमें बाकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का दूसरा पार्ट क्या होगा मैडम? इसमें मिसिंग थिंग्स, एक तो ये मिस किया कि प्रेजेंट प्रेगनेंसी का मैं भूल गई, मैंने नहीं पूछा प्रीवियस पूछ. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रीवियस मैंने पूछा, उसमें क्या मिस किया वो आप बताएंगी? नहीं नहीं, प्रीवियस में आपने तकरीबन सारा कुछ पूछ लिया, क्योंकि इसमें देखो प्रीवियस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्टिव लॉसेस है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि अमूमन अगर कोई डीएनसी हुई हो, या क्योंकि देखो जहां तक हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की बात करते हैं वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यूट्राइन सर्जरी से भी रिलेटेड हो जाती हैं, तो वो वाली सर्जरी वो वाली इंपॉर्टेंट होगी. जैसे अपेंडिसेक्टमी या बाकी कोलेसिस्टेक्टमी, वो इतनी इंपॉर्टेंट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के हिसाब से नहीं है, तो वो आप उसमें पास्ट हिस्ट्री में पूछोगे, या फिर फैमिली हिस्ट्री उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो भी आप पूछोगे. ये सब चीजें हैं जो उसकी यानी जो बेसिकली जो पास्ट फैमिली, जो पास्ट आपकी मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री एंड द पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, इन तीनों पे आपने फोकस करना है. एनी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एज वेल, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर आपको लेके चलेंगे कि कोई पीसीओ का प्रॉब्लम तो नहीं था, या उसमें कोई थायराइड डिसऑर्डर या मेडिकल डिसऑर्डर तो आपने अभी भी पूछ लिया. और दूसरी चीज एक जो इसमें आ जाती है, अगर आप एपीएलएस को एक उसकी कॉज समझो, जो कि जाहिर है 10-15% में तो हो सकती है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, क्योंकि जो जो कॉजेज है ना रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की, उनकी उनकी चीजें आपने पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में भी पूछनी है, तो वो सारी चीजें भी आप उसके हिसाब से पूछोगे. और आपने मौजूदा जो हिस्ट्री थी उसमें भी आपने पूछना है, जहाँ पे आप कॉजेज रूल आउट कर रहे हो. तो पास्ट हिस्ट्री जो है वो आपकी बेसिकली उसी पैटर्न पे चलेगी जैसे आपने मौजूदा प्रेगनेंसी के हिसाब से आपने चलाया था, तो इट वाज ओके. मैंने पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन बस ये है कि जहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट करती हो वहां पे, टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात है, वहां पे केस को इस तरह से चलाना रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल होता है, जहां पे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जहाँ पे आपके पास रोल प्लेयर नहीं है, या जहाँ पे आपको एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बता रहा कि ये इस पेशेंट में ये है या ये है या ये है. लेकिन ज्यादातर होता यही है कि जो स्ट्रक्चर्ड वाइवा में ज्यादातर जो पैटर्न होता है वो यही होता है कि वो किसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड होता है, वो फिर ओपन एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता. हम टॉपिक से रिलेटेड इसलिए डिस्कशन करते हैं कि टॉपिक को कवर करना होता है, ठीक है? आप इसको नैरो डाउन कर सकते हो टू अ पर्टिकुलर केस. मैडम, जैसे लास्ट हमारे एग्जाम में जो रोल प्लेयर बैठी हुई थी ना, एमसीपीएस का मैंने एग्जाम दिया था लास्ट टाइम, तो वो उसको थायराइड का इशू भी था, वो थायरोक्सिन भी ले रही थी, फिर वो उसमें जो है ना उसकी भी हिस्ट्री थी, डायबिटीज की भी हिस्ट्री थी, फिर उसमें मिसकैरेजेस की भी हिस्ट्री थी, लेकिन वो एग्जामिनर को सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे किसी तरह से, मतलब इस तरह एक एक करके सारी कॉजेज भी बताएंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर वो डीडीज पे कह रहे थे कि आप डीडीज बताएं क्या होंगे, डीडीज क्या होंगे. देखो बार दफा ऐसा होता है कि आपको हिस्ट्री पे कुछ चीजें मिल जाती हैं, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम आपके केस में थे, बट मे बी अब डायबिटीज और जो हाइपरथायरायडिज्म है, ऑटोइम्यून भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट डायबिटीज के साथ होता है, टाइप 2 डायबिटीज नॉट जेस्टेशनल, तो आप हमेशा स्क्रीन करते हो थायराइड फंक्शंस को भी एंड वाइस वर्सा, क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है वो दूसरे का एंडोक्रेनोलॉजिकल डिसफंक्शन भी कर रहा होता है. लेकिन इसी के साथ अब जो ऑटो एंटीबॉडीज इन फॉर्म ऑफ ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट और एसीएल, ये सब चीजें वो भी आप उसको रूल आउट करते हो जहां पे भी कोई सिंगल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होता है. तो ये सारी चीजें हैं जिसके साथ आपने उसको लिंक करना होता है, एंड मे बी दैट हाइपरथायरायडिज्म एंड द डायबिटीज बोथ, खासतौर पर जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है,
So uncontrolled diabetes and the uncontrolled hyperthyroidism both are an important predisposing factors to recurrent pregnancy losses itself in its own entity. लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन किसी और फैक्टर के मल्टीफैक्टोरियल भी तो ये हो सकता है. ये माइक जरा म्यूट करते हैं जिनका भी ऑन है. अच्छा तो इसमें ये जो है ये फिर आपने बावजूद इसके कि आपको वो चीज मिल गई हिस्ट्री पे लेकिन फिर भी अब बाकी चीजों को फिर भी पूछोगे. इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लीडिंग टू प्रेगनेंसी लॉस. चले जी अब इसमें हम जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे जो सेकंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है हमारा. सर पहले तो एग्जामिनेशन पे जाएंगे ना. हाँ सॉरी एग्जामिनेशन पे जाएंगे. यस हाँ जी. I will look for the I will look the general look of the patient. Any sign of anemia? Any STs at 12 week? Any choelenichia, leukonychia? Any palpable lymph nodes? I will examine her breast, and then I will also examine her chest and do CVS examination. On abdominal examination, I will look for any previous surgical scar, any stria marks or any visible pulsations. Or 12 weeks pe to madam isko fir wo to nahi karenge pelvic examination. ठीक है ना पेल्विक करेंगे ना एब्डोमिनल करने की जरूरत है. मतलब एब्डोमिनल बाकी विस्ट्रास को देखने के लिए तो कर सकते हो. ब्लड प्रेशर ये सब चीजें ये हाँ जी. BMI का मैंने पहले वो बोला ना. आई विल गो फॉर ठीक है. और इसके अलावा ब्लड प्रेशर इसका पल्स इसकी सारी सारी चीजें ठीक है. टेम्परेचर भी ठीक है. एनी एडिमा भी देख लेंगे उसका. और लेग्स के ऊपर भी कोई स्वेलिंग या एनी साइंस ऑफ डीबीटी ये भी देख लेंगे ठीक है. और यही देख लेंगे मेडिकल एग्जाम ठीक है. ठीक है जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की सब चीजें हैं वो सब आप इस पे देखोगे ठीक है. और और फिर इन्वेस्टिगेशंस पे जाएंगे. एग्जामिनेशन में कोई और चीज रहेगी. थायराइड. थायराइड को भी आप देखोगे ठीक है. थायराइड का आपने मेंशन नहीं किया. थायराइड इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग ठीक है. BMI इन्होंने बताया ठीक है. चले जी ठीक है. और अब आगे चले. अब मैडम इन्वेस्टिगेशन में फिर आप मुझे देंगी फाइंडिंग्स को या वैसे रैंडम जैसे. चलो ठीक है मैं ही दे देती हूँ. मेरा ख्याल है आप इसको फोकस्ड तरीके से ही चलाना चाहते हो. सपोज दिस पेशेंट हैज प्रीवियस 4 लॉसेस एट 9 वीक्स भी हुआ 11 वीक्स भी हुआ 13 वीक्स पे भी हुआ और एक जो था वो 10 वीक्स पे हो गया ठीक है. इसको हम इस तरह से नैरो डाउन कर लेते हैं. नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकल डिसऑर्डर. And in the past pregnancies, she has been on folic acid and the Loprin, especially in the third and the fourth pregnancy. Now she is in fifth pregnancy. Patient is educated to a matric and she belongs to a middle socioeconomic status class. Or baki her cousin marriage hai uski. Or spotting for last 3 days and it is associated with the pain as well. ठीक है. ये आपको सिनेरियो मैंने थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया. डिस्पाइट द फॉलिक एसिड एंड लोप्रिन शी इज नॉट ऑन एनी अदर ड्रग. शी हैज नेवर टेकन एनी ड्रग फॉर एनी अदर पर्पस. अब जो लास्ट इसके अबॉर्शन थे इन द थर्ड एंड फोर्थ प्रेगनेंसीज इट एंडेड अप इन इवैक्यूएशन बट द फर्स्ट टू वर स्पॉन्टेनियस कंप्लीट अबॉर्शन ठीक है. तो अब इसके हिसाब से लेके चले. ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन शी लुक्स टू बी एनीमिक और बाकी नो अदर फाइंडिंग्स पॉजिटिव ठीक है. अब इसकी इन्वेस्टिगेशन लेके चले इस केस के हिसाब से. पहले दो आपने कहा स्पॉन्टेनियस थे और अगले दो जो है सर्जिकल इवैक्यूएशन हुई. हां जी. स्पॉटिंग विद पेन और ये कजन मैरिज है मैट्रिक मिडिल क्लास है और मेडिकल डिसऑर्डर्स कोई नहीं और फॉलिक एसिड और लोपरिन नहीं. पिछली प्रेगनेंसीज में भी लिया यानी थर्ड और फोर्थ में और अब भी ले रही थी ठीक है. एंड शी हैज बीन विजिटिंग हर लोकल डॉक्टर. शी हैज कम फ्रॉम सपोज लेगिया. लेगिया का हम कर लेते हैं
और बाकी इसका जो है वो लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट ये करवा रही थी। ठीक है मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर द जनरल इन्वेस्टिगेशंस। कैन यू टेल मी एसबी ऑफ द पेशेंट? दैट इज 9.5। 9.5 टीएलसी? TLC is 9,000. 9,000. And platelets? Platelets is 160. 160. ठीक है. Viral serology? Negative both. Negative. Blood group तो पहले इन्होंने बता दिए कि negative. हाँ जी हाँ जी. ठीक है. और any fasting and one hour postprandial sugar done? That is normal. No, within normal limits. Okay. And urinary? Urinary reveals 8 to 10 pus cells. 8 to 10. Any culture, urine culture available? Not done. Okay. And then can you tell me the any transvaginal ultrasound or TVS या abdominal ultrasound done? हरे abdominal ultrasound was done about 2 weeks back and there was positive fetal cardiac activity on that. ठीक है positive activity. अच्छा then any thyroid profile done? Thyroid profile में क्या चीज़ है? T4 and free T4 and TSH. T4 is 11 and TSH is 5.5. Reason? ये तो आप बताओ के इसकी जो cut off limit है that is 4.5 जो cut off upper limit है TSH की. जो lab का cut off value है that is 4.5 the upper normal limit. थ्री टी फोर का भी बता दें मैडम. हाँ जी टी फोर था 11 और जो टी थ्री है दैट इज 6.5. 6.5 मैडम ये टी फोर और टी थ्री की भी कट ऑफ वैल्यूज बता दें. इसकी है मेरा ख्याल है 13 होती है टी फोर, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और टी थ्री की भी कोई मेरा ख्याल है 10-11 के करीब होती है. ठीक है. उसमें क्या तीनों करवाना चाहते हो? दो तो करवाऊंगी ना. एंटी कार्डियोलिपिन और एंटी फॉस्फोलिपिड. ओनली एपीएल हैज बीन डन एंड दैट is positive. ठीक है weekly positive इसको मैं कहूंगी. और ये एक ही हुआ था या 12 weeks apart भी हुआ? नहीं सिर्फ एक ही हुआ. ठीक है अच्छा. Because some doctor in her area had this test done and that was weekly positive. ये pregnancy से पहले हुआ है? नहीं अभी pregnancy के दौरान है. Pregnancy when she consulted her doctor. When her ultrasound was done, at the same time, the doctor had this test done. Madam, ये उसमें तो नहीं कराते होते ना pregnancy के दौरान? Pregnancy के दौरान क्यों नहीं करवा सकते? अगर patient का पहले ना हुआ हो और आपके पास patient पहली दफा आई हो तो फिर क्यों नहीं करवा सकते? अच्छा कहते यही है ना कि ये आप मतलब उसके बाद दोबारा जब करना उससे पहले कराएं. मैडम मैं ये कह रही थी कि एंटी फॉस्फोलिपिड जो होता है प्रेगनेंसी में फॉल्स रिपोर्ट्स देता है, तो फिर इसलिए प्रेगनेंसी तो इटसेल्फ इज अ हाई फॉल्स रिपोर्ट. किस तरह से देता है? फॉल्स पॉजिटिव देता है या फॉल्स नेगेटिव देता है? मैम फॉल्स पॉजिटिव ही फॉल्स नेगेटिव दे रहा होता है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी तो इटसेल्फ इज अ हाइपर कोगुलेबल स्टेट है. अच्छा फॉल्स नेगेटिव दे रहा होता है यानी एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली है प्रॉब्लम है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ गया. फॉल्स नेगेटिव तो यही होता है ना? जी. लेकिन फॉल्स नेगेटिव तो नहीं, फॉल्स पॉजिटिव के ज्यादा चांसेस होते हैं.
पॉजिटिव होते हैं। हाँ, पॉजिटिव के ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो इन इन वाइवो APL इज एंटी कोएगुलेंट, इन विट्रो इट्स प्रो कोएगुलेंट, ठीक है। इस वजह से अगर हम इसको अगर हम इसकी टेस्ट की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की बात करें तो डेफिनेटली इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम होती है प्रेगनेंसी में। बट सपोज अ पेशेंट हैज कम टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम और इससे पहले किसी ने बॉदर नहीं किया कि इसके चार प्रेगनेंसी लॉसेस हो चुके हैं तो इसको भी करवाएं, तो उस सूरत में फिर इसको जाहिर है जिस डॉक्टर के पास ये गई उसने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसके साथ ही उसने सोचा कि अब इतने प्रेगनेंसी लॉसेज हैं, नाउ दिस टाइम शी इज अगेन माइट हैव दिस प्रॉब्लम, सो शी वेंट फॉर इट और वो वीकली पॉजिटिव था। अब क्या करोगे आप मैडम? और इसके वो करवाऊंगी एंटी टेन ए लेवल्स जो कराते हैं अगर इसको आगे जाहिर में क्यों कराओगे? APLS का डायग्नोस्ड केस है तो जाहिर इसको आगे मैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे डालूंगी मैनेजमेंट में। पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग स्पॉटिंग। अच्छा सही है। और ANA देखो कोई और उसके क्लिनिकल मार्कर्स नहीं है फॉर अ सिस्टेमिक डिजीज क्योंकि ANA बेसिकली इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर SLE या बाकी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या इसमें बाकी चीजें जो हों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की जो मैनिफेस्टेशंस हैं, कुटेनियस मैनिफेस्टेशंस है, नेफ्राइटिस है, ये सब चीजें उनमें से कुछ ना कुछ हो तो यू गो फॉर एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंड एंटी ANA बेसिकली। तो उस इसमें करवाने की क्या जरूरत है जबकि इसमें कोई और ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नॉट आइडेंटिफाइड सो फार। वो जो मैडम फैक्टर 10 कराते हैं जो उसके लिए, वो क्यों कराओगे अगर इसको आगे जो है प्रैक्टिकली क्या करवाते हैं मुझे ये बताओ? एंटी फैक्टर 10 यही करवाते हैं जो मैंने करा लिया यही कराते हैं। तो ठीक है ना, फिर जो कराते हैं वही। अब एंटी फैक्टर 10 ए तो तब हम करवाते हैं ना जब हमने उसको उसको एंटेगोनाइज करने वाली मेडिसिन दे रहे हो तो तब हमने उसकी एफिकेसी देखनी है या उसके साइड इफेक्ट्स देखने हैं, ठीक है। इसलिए जो है इसमें उस तरह से ही बनता नहीं है। नाउ सो फार ये वाली आपने टेस्ट करवा लिया, और कुछ करवाने की जरूरत है? पता नहीं मैडम को मिस किया तो आप दादे में से मेरे ख्याल में कर रही है टेस्ट बेसिकली तो यही होंगे, लेकिन वुड यू गो फॉर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज एज वेल? मैडम एंटी कार्डियोलिपिन कराऊंगी ना? नहीं करवाओगे या नहीं या खाली APL पे ही इत्तफाक कर लोगे आप? नहीं मैडम मैं कराऊंगी। क्यों? हाँ कहाँ पे पहुंचा जब भी तुम लेकर आए कंफर्म करने के लिए मैडम उसका दोनों टेस्ट इन कॉम्बिनेशन इसको ज्यादा सेंस इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा आ जाती है हो जाती है, लेकिन अ नेगेटिव एंटी कार्डियोलाइपिन टेस्ट विल नॉट रूल आउट द डायग्नोसिस ऑफ APLS, ठीक है। यानी अगर वो नेगेटिव आ जाता है लेकिन ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट पॉजिटिव है तो आप उसमें ये नहीं कहोगे कि ये नहीं है बिकॉज ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट इज मोर एसोसिएटेड विद ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन एज कम्पेयर टू ACL। ACL जब हो तो उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा आ जाती है। अब इसके अलावा और क्या कराओगे? अब आपका डायग्नोसिस क्या बना सो फार? अभी बल्कि टेस्ट आपके कुछ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, शुड वी आस्क फॉर HbA1c और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? नहीं, अगर अगर तो उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग रैंडम भी ठीक है, लेकिन अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है, HbA1c हम कब करवाते हैं? मगर नॉन डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो या बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो या प्रीवियस प्रेगनेंसीज में उसको कभी चाहे वो अर्ली ट्राइमेस्टर ही थी उसको कभी डायबिटीज का प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ हो और इन बिटवीन प्रेगनेंसीज कभी इसके ऑफ एंड ऑन एरेटिक हाइपरग्लाइसीमिया आता रहा हो तो, क्योंकि अदरवाइज द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ऑलवेज OGTT क्योंकि हम जो फास्टिंग और रैंडम करवाते हैं मे बी उस वक्त का फास्टिंग और उस वक्त का रैंडम लेवल ठीक आ जाए बिकॉज ये फ्लक्चुएट करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कैन फ्लक्चुएट। इवन यू हैव सीन इन टाइप 2 डायबिटीज के बाद दफा एक लेवल जो है वो फास्टिंग का या रैंडम का ठीक भी आ सकता है बट OGTT विल सरफेस दैट अंडरलाइंग डिजीज एंड
जो इसमें जो HbA1c है उसमें जहां पे थोड़ी सी वेक सी हिस्ट्री होती है, दो इनिशियली द ये जो फास्टिंग एंड रैंडम लेवल्स हैं वो चाहे नॉर्मल भी आ जाए फिर भी आप उस सूरत में करवा सकते हो टू बी फर्दर श्योर ऑफ द जो उसके एरेटिक ऊपर नीचे ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं, अगर उनकी वजह से कोई चेंज आ गई HbA1c में तो वो डिटेक्ट हो जाएगी. अदरवाइज एज अ प्राइमरी एंड इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी OGTT ऑलवेज. मैम अगर यही पेशेंट अनबुक रही हो पिछले सारे मिसकैरेजेस में, अनबुक थी, बाद में भी कभी चेक नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, फिर भी हम OGTT की तरफ ही जाएं? OGTT तो देखो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है. अब यूनिवर्सल का मतलब ये है कि नॉट ओनली बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर बट इवन इन द लो रिस्क पॉपुलेशन, खास तौर पे अगर एशियन एंड एथनिसिटी हो तो, और खास तौर पे उन केसेस. अब हम OGTT हमारे जाहिर है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और सब चीजें ऐसी हैं कि इसमें हम नहीं अमूमन करवा रहे होते. और दूसरी चीज ये कि OGTT जब इस तरह का पेशेंट हो जो हाई रिस्क होता है तो आपके पास जैसे ही आता है आप उसका OGTT करवा लें, उसके लिए फिर 24 वीक्स तक जाना जरूरी नहीं है. द टाइम द पेशेंट इज बुक्ड विद यू फर्स्ट टाइम तो आप उसका करवा लें, क्योंकि इसमें आपको आपको सारी चीजों का स्टेटस पता चल जाएगा. एंड दिस इज व्हाट योर SOGP गाइडलाइन सेज कि आपने OGTT करवाना है राइट एट द टाइम ऑफ बुकिंग इन अ हाई रिस्क पेशेंट. जो लो रिस्क पेशेंट है जिसको आपने वैसे ही स्क्रीन करना है, डू इट एट 24 वीक्स. लेकिन हाई रिस्क में एथनिसिटी आ जाएगी, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक लॉसेस आ जाएंगे, फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी, ये सारी चीजें. और ये तो हाई रिस्क पेशेंट उस तरीके से भी बनता है. अब इसमें और क्या टेस्ट है जो हम करवाएंगे वो आप अभी थोड़ा सा मिस कर रहे हो? तो नहीं सॉरी मैडम. अच्छा TSH वाज 5.5, क्या इसको फर्दर स्क्रीन अप करना चाहोगे? थायराइड एंटीबॉडीज. थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज TPO, ठीक है, वो आपने इसमें करवाना है. और इसके अलावा TSH रेज आ जाए तो कराना है मैडम या वैसे भी मांग? हाँ जी, TSH अगर रेज 5.4 से ऊपर आए तो फिर आपने करवाना होता है, क्योंकि वो अगर तो बाद दफा हाइपोथायरायडिज्म इज विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, लेकिन बाद दफा हाइपोथायरायडिज्म इज एसोसिएटेड विद एंटीबॉडीज, तो ये जो फिर एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट द थायराइड वो उसमें फिर ऑब्स्टेट्रिक आउटकम पोर होने के चांसेस होते हैं, वहां पे रिपीट अबॉर्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. उसकी बेसिकली फिर जस्टिफिकेशन ये है. ठीक है. हाँ जी. और इसमें अल्ट्रासाउंड करवाना, अल्ट्रासाउंड भी तो करवाओगे ना? प्रेजेंट स्टेटस अभी देखना, 2 हफ्ते पहले का हुआ अल्ट्रासाउंड तो वो तो मैं फिर मैनेजमेंट में जरा बोलूंगी कि अल्ट्रासाउंड कराएंगे. अल्ट्रासाउंड तो बेटा इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा ना, लेकिन भाई रिपीट अल्ट्रासाउंड पे भी ठीक है, उसकी जो कार्डिक एक्टिविटी है वो ठीक है. अब क्या करोगे? रिपीट अल्ट्रासाउंड पे भी FCA पॉजिटिव है, कार्डिक FCA पॉजिटिव है, ठीक है. हाँ, अब क्या करोगे? अच्छा ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल I will counsel the patient regarding diagnosis as she is. क्या diagnosis बताओगे उसको? APLS. अच्छा, APLS सिर्फ इसका LA positive था. मैडम APLS बनेगा या इसकी फिर नहीं, इसको फिर repeat करूंगी ना 12 hours abroad, लेकिन उसमें treatment तो शुरू कर दूंगी अब APLS से. ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि हमने पिछली दफा भी बात की थी, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की हो, कि अगर अगर फर्स्ट टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है, वीकली पॉजिटिव का मतलब है ज़रा हीमोडाइल्यूशनल इफेक्ट भी हो सकता है. दूसरी बात ये कि इसमें बाद दफा ये जो एंटीबॉडीज हैं ये प्लेसेंटा के साथ भी उसमें कंबाइन कर जाती है, इस वजह से भी उसका टाइटर कम हो जाता है. फिर बीइंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस इन प्रेगनेंसी, ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन वैसे ही कम हो जाती है. सो दिस वीकली पॉजिटिव APL टेस्ट विल बी टेकन अप एज द पॉजिटिव टेस्ट. सो इफ इट हैज कम आउट टू बी पॉजिटिव तो इसमें हमें रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो इसने अफेक्ट करना है और अभी ही अफेक्ट करना है, क्योंकि ये जो ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडीज हैं
इनका एक जो इनका क्या फंक्शन, ये कैसी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करते हैं? जी मैडम करते हैं जो है ना, ये मैंने पढ़ा था थ्रोम्बस बनता है ना जो है, ठीक है थ्रोम्बस बनता है, लेकिन इसके अलावा भी ये बेसिकली इसका मल्टीफोकल इफेक्ट होता है। तो इसमें मल्टीफोकल इफेक्ट ये है कि थ्रोम्बोसिस तो बनता ही बनता है, वो तो एक अलहदा से बात है, लेकिन ये है कि इसमें जो ज्यादा, बल्कि थ्रोम्बस की थ्योरी आज तक ही ज्यादा पॉपुलर रही है, लेकिन इसमें जो इसका ज्यादा स्पेसिफिक जो इफेक्ट होता है वो ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन पे होता है, ट्रोफोब्लास्टिक इनवेजिवनेस पे होता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन को ये प्रमोट करता है और इसमें पोअर प्लेसेंटेशन होती है, दैट इज द रीजन फॉर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। और जो लेट उसमें आ जाते हैं ऑब्स्टेट्रिक आउटकम आ जाते हैं, फिर उसमें थ्रोम्बस वाला फैक्टर भी, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी वाला फैक्टर भी उसमें आ जाता है। तो ये इसके मल्टीफैक्टोरियल चीजें होती हैं जो कि जिसकी वजह से इसमें प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं। तो नाउ दिस केस इज डिक्लेयर्ड टू बी एपीएलएस पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म। सब क्लिनिकल हम इसको कहेंगे, सब क्लिनिकल इसलिए कि इसको सिम्टम्स कोई नहीं है, बट द टीएसएच हैज रेज्ड टू 5.5 बिकॉज इन एट 12 वीक्स 20 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी होती है 20 वीक्स तक टीएसएच कम होना चाहिए बिकॉज ऑफ द टीएसएच लाइक फैक्टर रिलीजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो उसमें हाइपरथायरॉयड एक जो फिजियोलॉजिकल हाइपरथायरॉयडिज्म वाली स्टेट होती है वो एग्जिस्ट करती है टिल 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बट एट 12 वीक्स शी हैज टीएसएच ऑफ 5.5, तो मे बी ये इससे भी ज्यादा हो। तो इसकी कोई ट्रीटमेंट शुरू करोगे आप? चलो इसको मैनेजमेंट में हम डिस्कस करते हैं। तो आपने इसकी काउंसलिंग की ऑन द बेसिस ऑफ एपीएलएस पॉजिटिव और उसको थोड़ा सा थायराइड फंक्शन का भी आप बता दोगे कि उसमें भी प्रॉब्लम है एंड दैट नीड्स मॉनिटरिंग, ठीक है? दैट नीड्स टू बी, फिर उसको रिपीट कराऊंगी उसके बाद। हाँ बिल्कुल, आप रिपीट करवाओगे और इसमें जो है वो फिर आपने इसको ये बेसिकली थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स खुद से ही बनाया था, वरना एपीएलएस तो हम पिछले उसमें भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो अब टीएसएच इसका माइल्डली रेस्ड और एपीएलएस पॉजिटिव, ठीक है। आई विल काउंसिल द पेशेंट रिगार्डिंग डायग्नोसिस, आई विल इन्वॉल्व द एमडीटी इन्वॉल्विंग ऑब्स्टेट्रिशियन फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट हेमाटोलॉजिस्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन द फीटो मैटरनल रिस्क टू द पेशेंट in which fetal risk, that fetus is at risk of IUGR, preterm delivery, IUD, fetal distress during labor. And in maternal risk, I will tell about the preeclampsia, abruption, and thromboembolic risk, and increased chance of induction, instrumental delivery and increased chance of cesarean delivery. ठीक है, फिर आगे. As she is taking loprin, so I will start 5 mg folic acid if she is not taking folic acid, and then I will start. She is already on folic acid and low dose aspirin. मैडम ये अब इसको स्पॉटिंग हो रही है तो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दूंगी इसको इधर। वो अब इनसे आमना बताती है ना हमें। मैं ही आमना ही पूछ रही हूँ। अच्छा सॉरी, ठीक है। आपका अपना क्या ख्याल है? मैडम दूंगी। ठीक है, आप बिल्कुल इसमें दोगे। देखो अब अगर एपीएलएस की ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टोजेनिक एजेंट्स रादर प्रीडिस्पोजेस टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन, लेकिन इसमें जब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसिस में जब ये ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, आप ऑलरेडी इसको लोप्रिन दे रहे हो, डेफिनेटली यू विल लाइक टू ऐड मोर एंटीकोएगुलेंट्स टू इट। तो इसमें आपने इसको प्रोजेस्टोजन देना है, बट व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेस्टोजन? इसमें वो इंजेक्टेबल्स अवॉइड करूंगी, इसको दूंगी
ओरल प्रोजेस्टेरोन दूंगी डूफास्टोन दे दूंगी ओरल दोगे या क्या करोगे मैडम ओरल ही दूंगी ना एपीएलएस है तो इंजेक्टेबल्स अवॉइड नहीं करूंगी कौन सा ओरल कौन सा कौन से वाला प्रोजेस्टेरोन इसको डूफास्टोन ही जो यूजुअली हम देते हैं 10 एमजीबीडी में देते अच्छा, हैं इसके अलावा कोई और ऑप्शन है यस साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली एडवाइस कर दूंगी व्हाट इज साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डूफास्टोन एंड द साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली दोनों मैडम बेसिकली प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स ही हैं नहीं नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स लेकिन उसकी जनरेशंस भी तो होती हैं प्रोजेस्टेरोन्स की और उसके हिसाब से उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं In view of her APLS status, what type of progesterones will be preferred and by what route? Micronized progesterone जो है वो कौन सी preparations में होती है Cyclogest is one type, ठीक है और दूसरा ये कि इवन जो ये प्रोजेफिक है ये भी माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन्स है ये थर्ड जनरेशन में आ जाती है अब इनके इनके जो इफेक्ट्स हैं और ये थोड़े से थ्रोम्बोजेनिक ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है उनमें एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं तो ये थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टेरोन्स में है बट दिस हैज मोर प्रेगनेंसी प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स उसका सपोर्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है बट एज ओरल रूट इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड लीडिंग टू मोर जो थ्रोम्बोजेनिक इफेक्ट्स तो इस वजह से इनका प्रेफरेबली वेजाइनल या रेक्टल रूट इज ज्यादा प्रेफरेबल ज्यादा होता है तो इसलिए इसको इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन्स बट पैरेंट्रल रूट पैरेंट्रल हर वो रूट है जो ओरल रूट को बाईपास करता है ठीक है ये इसमें आ जाएंगे पर रेक्टम या पर वेजाइनल उनमें लिवर बाईपास का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा तो थ्रोम्बोजेनिक साइड इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे एंड हैविंग द मैक्सिमम इफेक्ट एज ऑन द यूट्रस एज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट और खासतौर पे जब ब्लीडिंग हो तो उसमें ये बनता है अब एट द सेम टाइम शी इज ऑन लोप्रिन लोप्रिन को कंटिन्यू करोगे लोप्रिन वैसे मैडम प्रैक्टिकली जो अपने वार्ड में हम करते थे जितना टाइम स्पॉटिंग होती थी उसको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देके वो बंद करते थे और फिर दोबारा उसको शुरू कर देते थे हाँ, उसको उसको जरा लेट इट सेटल डाउन पीटीए पीटीटी करवा के देखो प्लेटलेट्स इसके देखो प्लेटलेट वैसे मैंने बता दिए थे कि ठीक है और पीटीए पीटीटी भी सपोज ठीक है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता वैसे लोप्रिन के साथ लेकिन फिर भी फॉर 48 to 72 hours यू कैन स्टॉप इट टिल द टाइम जो सपोर्टिव थेरेपी है वो उसमें चलेगी ठीक है अब यही जो पेशेंट होता है इसमें इसमें डेफिनेटली आपने ये देना है लेकिन इसके साथ साथ आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि ये एपीएलएस पॉजिटिव भी है तो उसका क्या करोगे फिर लोप्रिन यू विल रीस्टार्ट व्हाट एल्स यू विल स्टार्ट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट करूंगी ना उसको किस डोज में प्रोफाइलेक्टिक या थेरेप्यूटिक थेरेप्यूटिक किस डोज में 1 mg/kg ठीक है और इसके अलावा अगर फर्ज किया पेशेंट ब्लीड करता रहता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या और हो सकती है फिर जरा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया ठीक है प्रोजेस्टेरोन भी हमने दिए फिर भी ऑफ एंड ऑन वो कहती है हफ्ते में कोई एक दो दफा स्पॉटिंग हो जाती है यू विल कंटिन्यू विद द प्रोजेस्टेरोन और उसके अलावा जो है वो अगर फर्ज किया फिर भी ब्लीडिंग चलती रहती है आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दिया अगर जो उसे ब्लीडिंग भरी नहीं बट स्टिल द ब्लीडिंग इज ऑफ एंड ऑन मे बी वंस और ट्वाइस अ वीक और ये प्रोजेस्टेरोन्स पे है ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे है और ये लोप्रिन पे है और फॉलिक एसिड पे है इन सारी चीजों के ये सारे एंटीकोएगुलेंट जो हमने स्टार्ट किए ये बेसिकली उसको उससे पीटीए पीटीटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे ब्लीडिंग भरी नहीं है सो यू विल कंटिन्यू विद इट अब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एज कंपेयर टू लोप्रिन इज मोर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर एपीएलएस क्योंकि वो सारे जो हमने फंक्शन कहे थे जो एपीएलएस करता है प्लेसेंटा पे इन सारों को एंटागोनाइज करता है तो मैडम एस्पिरिन का तो कहते हैं कोई रोल ही नहीं है लो इसमें एपीएलएस हाँ नहीं उसमें ये है कि इसमें जो केसेस होते हैं ना एपीएलएस के उनमें बेसिकली दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट चॉइस
और ऐसे केसेस में आप हमेशा उसको प्रेगनेंसी से पहले शुरू करते हो और उसको फिर कंटिन्यू करते हो। ये इसमें ना सिर्फ एसएलई के साथ एसोसिएटेड एपीएलएस बल्कि एपीएलएस एज इट्स ओन सेपरेट एंटिटी में भी, दोनों में भी ये हमने लो डोज एस्पिरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को स्टार्ट से ही शुरू कर देना है। इसको अगर हम आइडियल तरीके से डिस्कस करें तो उसको हमने करना होता है। फिर उसके बाद अब फिर भी 20% केसेस तो ऐसे होते हैं जो इस पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिकरेंट एबॉर्शन या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के या बैड ऑब्स्टेट्रिक आउटकम इन एनी अदर वे, आईयूजीआर या आईयूडी या व्हाटएवर जो हो गया। तो इसलिए फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड और थर्ड चॉइसिस भी आ जाती हैं जो एचसीक्यू की और प्रेडनिसोलोन की हैं। और ये हमने बड़ा डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रेडनिसोलोन हम क्यों देते हैं या फिर हम डेक्सामेथासोन किन केसेस में देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। बट इसको इस स्टेज पे अगर ये अगर स्पॉटिंग करती रहती है तो इस स्टेज पे आप कह रही हैं कि हम साथ आपको प्रेडनिसोलोन देंगे? नहीं नहीं अभी नहीं, मैं वैसे जनरल एक बात बता रही हूँ। अच्छा, कि ये जनरल की बात है, इस पेशेंट के रेफरेंस में नहीं बता रही मैं। अच्छा अच्छा। अब इस पेशेंट में अब सिनेरियो ये हो गया कि अब ये 12 वीक्स पे है, अब स्पॉटिंग उसकी कम हो गई आफ्टर स्टॉपिंग द लोपरिन फॉर 2-3 डेज और अब फिर उसके बाद हमने इसको रीस्टार्ट कर देना है। अलॉन्ग विद दैट एज एपीएलएस हैज बीन कंफर्म्ड नाउ बाय पॉजिटिव एलए, तो उसमें हमने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन शुरू कर देनी है इन व्यू ऑफ हर प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक, क्योंकि अब ये हाई रिस्क केस में आ गया। अब एक सिंगल प्रेगनेंसी लॉस के बाद और 2-3-4 के बाद रिस्क फैक्टर्स बहुत तेजी से एस्केलेट हो रहा होता है, बल्कि रिकरेंस चांसेस बहुत तेजी से एस्केलेट हो रहे होते हैं। और आप 4 एबॉर्शंस के बाद तो ये तकरीबन 65% तक इसका रिस्क रिकरेंट दोबारा से एबॉर्शन का बढ़ जाएगा। सो दिस रिस्क हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द पेशेंट एज वेल। तो इसलिए हम इसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे, साथ इसको प्रोजेस्टोजन थ्रू वजाइनल और रेक्टल रूट भी हम कंटिन्यू रखेंगे। अब सपोज ये पेशेंट जो है वो अब इसमें 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं कि इसमें ये पेशेंट सेटल हो गई, आपने इसको कंटिन्यू किया एज इट इज, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ भी और सारी चीजों के साथ। अब सपोज ये पेशेंट, अब इसमें सिनेरियो एक ये भी हो सकता है फेल्ड ट्रीटमेंट जो 20% में हो सकती है और ये केस सक्सेसफुल भी हो सकता है। अब ये जो फेल्ड ट्रीटमेंट हो सकती है ये इन एनी फॉर्म हो सकती है, यानी इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, इसमें पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें जब हम इसका डॉपलर फ्लो कराते हैं तो वो रेस्ट आ सकता है, और इसके साथ साथ इसमें हाइपरटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाती है या फिर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की चीजें आना शुरू हो जाती हैं ऑलिगोहाइड्रामिक्स। तो वो ये सारी चीजें जो है ये मार्कर होंगी फॉर द फेल्ड ट्रीटमेंट फॉर दिस एपीएलएस पॉजिटिव पेशेंट। एट द सेम टाइम उसका जो टीएसएच है उसको हमने भूलना नहीं है, टीएसएच विल बी रिपीटेड आफ्टर 6-8 वीक्स। और फर्ज किया अब ये टीएसएच इसका हो गया सपोज 6 है इन सेकंड ट्रेमेस्टर में ये एंटर हो जाएगी ऑलमोस्ट, तो उसमें फिर आपने थायरोक्सिन को भी स्टार्ट करना होता है क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म इटसेल्फ इज अ कॉज फॉर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और ये रिस्क को और ज्यादा एस्केलेट कर देगी ऑफ एपीएलएस। तो रिस्क एक है जो लो रिस्क केसेस होती है और एक है जो हाई रिस्क केसेस होते हैं इवन इन एपीएलएस पॉजिटिव पेशेंट। तो इसमें ये हाई रिस्क केस बनता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉसेस है, तो ये हाई रिस्क में चला गया। तो इसमें फिर हमने थायरोक्सिन शुरू करनी होगी और ये सारा कुछ एमडीटी के साथ चलता है, उसको आपने किसी स्टेज में नहीं बोलना। और इसके अलावा अब चूंकि ये पेशेंट अब इसमें दोबारा से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया डिस्पाइट गिविंग हर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन लोपरिन और ये सारा कुछ, फिर भी ये चीजें आ रही हैं, तो हम उसमें इसमें फिर हम ऐड कर सकते हैं बाकी चीजें। और बाकी चीजों में क्या होगा, इसमें बाकी चीजों में हम प्रेडनिसोलोन और एचसीक्यू की ऑप्शन में से वन ऑफ द ऑप्शन विल बी कंसीडर्ड, जिसमें जो प्रायोरिटी वाइज जो समझी जाती है वो एचसीक्यू समझी जाती है। और अगर उसके उसके साथ भी प्रॉब्लम, ये बेसिकली रिफ्रैक्टरी केसेस के लिए होता है, और उसके या फिर अगर एचसीक्यू में जो है वो, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसे वो प्रॉब्लम्स नहीं होते एक्सेप्ट के किसी किसी में एरिथमियाज आने के चांसेस होते हैं,
मेटरनल एरिथमिया, तो वहां पे स्टीरॉयड इज वन ऑफ द ऑप्शन, प्रेडनिसोलोन जो लो डोज में हम दे रहे होते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इन चीजों पे भी नहीं चलते, तो इसलिए जो है वो इसमें हम जो जो एचसीक्यू पे भी फेल हो जाए, जो स्टीरॉयड पे भी फेल हो जाए, फिर उसमें रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाता है या प्लाज्मा फ्रीसिस का आ जाता है, वो फिर बहुत हाई रिस्क केसेस आ जाते हैं कि वहां पे फिर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना शुरू हो जाए या प्लाज्मा फ्रीसिस जो एंटीबॉडीज बनी हुई है उनको कम अज कम हम क्लियर करना शुरू करें, तो फिर उसका ये रोल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपने इसको लेके चलना है। और इसके साथ जब आप मैनेजमेंट बता रहे होते हो तो इसको टीएसएच को रिपीट किया आपने, लो मॉलिक्यूलर वेट हेप्टिन शुरू कर दी आपने, प्रोजेस्टोजन शुरू कर दिए, उसके साथ आपने चलना है। और चूंकि एंटिसिपेटेड है इसमें ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स, तो इस वजह से इसमें फीटल मॉनिटरिंग विल बी ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस एज वेल एज द अदर मेटरनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपीएलएस। 2 weekly visits करवाऊंगी ना, और फिर इसको जो है एनोमली स्कैन के साथ साथ ही इसका यूट्राइन आर्टरी डॉपलर भी करवाओ। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में भी आपको नोचिंग वगैरह से पता चल जाता है कि इसमें कितनी कुपरी डिस्पोजिशन है, तो वहां पे फिर आप इसमें जो डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्पी और ये जो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट हमने शुरू की है, हाँ जी, इसको कितने लेंथ लेके चलेंगे? इसको फिर टिल एंड लेके चलो कम से कम 36 वीक्स तक, तो अगर बाकी सारी चीजें ठीक रहती हैं। और बाकी ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्पीन और ये सब चीजें ये भी चलेंगी आखिर तक इन व्यू ऑफ द सिनेरियो, वो सिनेरियो के हिसाब से भी बार दफा इसकी ड्यूरेशन डिसाइड होती है, लेकिन इसको फिर आपने आखिर तक लेके चलना है क्योंकि फोर प्रेगनेंसी को भी आखिर तक लेके चलेंगे जी मैम। प्रेगनेंसी ही चलेगा क्योंकि देखो उसने एंटीबॉडीज को सप्रेस करना है, ठीक है, तो एंटीबॉडी वो नहीं अगर होगा तो उसमें एंटीबॉडीज तो फ्लेयर अप हो सकती है, वो किसी भी स्टेज पे जाके इफेक्ट कर सकती है। और इसमें जाहिर है आईजीएम एंटीबॉडीज ही हैं जो कि क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा को और वो जाके फीटस वो सारी प्लेसेंटल सर्कुलेशन और सब चीजें उनको इफेक्ट करेंगी। एंड रिट्रोस्पेक्टिवली प्लेसेंटा जब भी इफेक्ट होता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, तो मेटरनल मैनिफेस्टेशन भी उसमें हो रही होती है इन फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन प्रीएक्लम्प्सिया, तो ये सारी चीजें हो रही होती है। मैडम थायरॉक्सिन के लिए सेकंड ट्रिमेस्टर का वेट करेंगे, उसको बुकिंग पे नहीं देंगे? नहीं देखो 5.5 है, सब क्लिनिकल है, इसमें जो है वो आप एक सिंगल रीडिंग पे अमूमन शुरू नहीं किया जाता। आप बहुत भी जो इसको करोगे वो 6 weeks के बाद इसको रिपीट करोगे, ठीक है, और रिपीट पे भी यही लेवल्स आते हैं और या इसमें भर जाते हैं तो देन यू विल स्टार्ट विद जो लो डोज में बेसिकली इसको थायरॉक्सिन करेंगे। बहुत सारे लोग तो अगर टीपीओ पेशेंट नेगेटिव आ जाए तो सब क्लिनिकल को ट्रीट ही नहीं करते, अगर टीपीओ बल्कि अगर टीपीओ पॉजिटिव भी हो तो भी इसमें बहुत सारे इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रोल आ जाता है थायरॉक्सिन के स्टार्ट करने का, क्योंकि ये क्लियर कट हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है, इसमें ये बॉर्डर लाइन हाइपोथायरॉयडिज्म है, सो वी नीड टू कन्फर्म इट बिफोर वी स्टार्ट इट। लेकिन बाज दफा ये इतना सा हाइपोथायरॉयडिज्म भी जो है वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि आप ये भी देखो कि एडल्ट्स में जो सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के दैट वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। टीएसएच बाज दफा 70-80 होता है और मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं होते, और बाज दफा टीएसएच 7-8 होता है और पेशेंट हैज मल्टीपल सिम्टम्स, तो ये इंडिविजुअल भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। लेकिन चूंकि अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन व्यू ऑफ हर प्रीवियस 4 प्रेगनेंसी लॉसेस, तो उसमें ये इतना सा टीएसएच भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सो देयर इज नो हार्म, क्योंकि इसको 4 से नीचे होना चाहिए, 4 से नीचे डेफिनेटली होना चाहिए। तो तभी और जब पेशेंट वैसे जब थायरॉक्सिन पे चला जाता है तो इस टीएसएच लेवल को फिर 2 से 2.5 के दरमियान में होना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर नहीं। वंस द ट्रीटमेंट हैज बीन स्टार्टेड Without a treatment, it should be less than 4. तो ये अगर 5.5 है तो ये एक mild इसको hypothyroidism हम कहेंगे,
लेकिन इसको फिर हमें कंफर्म करने की जरूरत होगी और डेफिनेटली फिर उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन एलए को हमें कंफर्म करने की जरूरत नहीं बाय सेकंड टेस्ट, हम इसकी ट्रीटमेंट अभी से ठीक है। तो मैडम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे ये अच्छा हाँ जी अच्छा अब इसमें क्वेश्चन था कि जैसे ये रिकरेंट मैडम ये रिकरेंट मुझे मिसकैरेज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के साथ पेशेंट अच्छा इसमें एक और चीज दो तीन चीजें मैं बता दूं जहां तक हमें इसकी कंफर्मेशन की जरूरत थी कि सपोज ये हमारे पास पेशेंट हमेशा से बुक्ड है और इसमें इसका अब हम ये इसकी थर्ड प्रेगनेंसी है और पहले दो एबॉर्शन इसके हो गए और इसी तरह से अर्ली ट्राइमेस्टर एबॉर्शन इसके होते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक जो रिस्क ऑफ एनोमलीज है वो बढ़ जाता है, उसमें रिस्क ऑफ एनोमलीज जो है वो उसमें एक बहुत प्रीडोमिनेंट कॉज होती है। तो उसमें जो आरपीयूसीज है उनका जो कैरियोटाइपिंग या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेटस या फॉर इन्फेक्शन स्टेटस वो डिटरमिन करना जरूरी होता है। तो उसमें या तो अगर सर्जिकली वैक्यूट हमने किया तो उसमें हमें टिश्यू मिल जाएगा या पेशेंट खुद से भी उसको कलेक्ट कर सकता है and we subject it to the histopathology and karyotyping. अब karyotyping पे different scenarios आ जाते हैं। Karyotyping पे अगर वो आ जाता है इसमें aneuploidy होता है जिसमें number of chromosomes में फर्क होता है। aneuploidy is जो 46 chromosomes है, लेकिन जो aneuploidies होती है वो monosomy भी हो सकती है, trisomy भी हो सकती है। अब monosomy, trisomy अगर आ जाती है तो फिर हमें या एन्यूप्लॉइडी किसी भी सूरत में तो क्रोमोनोमेरिकल बेसिकली अगर वो डिसऑर्डर्स आते हैं तो फिर हमें पैटर्नल क्रोमोसोम्स करवाने की जरूरत नहीं। अलबत्ता अगर जो आरपीयूसीज हैं उनमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी अगर अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन है कि एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटा और दूसरे के साथ जुड़ गया लेकिन वो अनबैलेंस्ड है, दिस इज अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन, या फिर उसमें क्रोमोसोम्स का एक हिस्सा जो है वो उलट पुलट लग गया दैट इज इन्वर्जन, या उसके किसी एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा डिलीट हो गया दैट इज डिलीशन। तो इसमें बहुत सारे रिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की वो होती हैं। अगर तो आरपीयूसीज में ये वाले स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फिर हमें पैटर्नल क्रोमोसोम्स करवाने की पैटर्नल कैरियोटाइपिंग करवाने की जरूरत होगी। तो ये चीज जरा समझना जरूरी है कि एन्यूप्लॉइडी में जरूरत नहीं है पेरेंटल कैरियोटाइपिंग कराने की, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आ जाए आरपीयूसीज में तो फिर हम पेरेंटल कैरियोटाइपिंग करवाते हैं जरूरी। और पेरेंटल क्रोमोसोम्स के जो पैटर्न होता है उसमें ज्यादातर बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन होती है, बैलेंस ट्रांसलोकेशन यानी एक क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा टूटा और वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ लग गया और दूसरे क्रोमोसोम का उतना ही हिस्सा टूटा और पहले क्रोमोसोम के साथ लग गया, तो ओवरऑल शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज रिटेन्ड बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस ट्रांसलोकेशन। तो बैलेंस ट्रांसलोकेशन जो पेरेंट्स में होती है वो तकरीबन 2 to 8% में होती है, यही रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसिस में, जबकि जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है उनमें एन्यूप्लॉइडी 40% केसेस में होती है, यानी ज्यादातर उसमें न्यूमेरिकल क्रोमोसोम्स का प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसमें ये समझना जरूरी है कि किसमें कराना है और किसमें नहीं कराना। फिर जो दूसरी चीज ये है कि बाज दफा हम ये कहते हैं कि सेकेंड जो यूट्राइन जो एनोमलीज हैं यानी जो यूट्राइन स्ट्रक्चरल एनोमलीज हैं जो प्राइमरी बेसिकली जो होती हैं
कंजेनिटल जो होती हैं कि वो ज्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस करती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स ट्रू, यानी 13% में ये ट्रू है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कंजेनिटल यूट्राइन एनोमलीज हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस भी करती हैं रिकरण, और उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम वाली चीज होती है वो सेप्टेड यूट्रस होती है, स्पेशली अगर पूरा सेप्टम जो है वो काफी बड़ा हो तो, क्योंकि अगर तो कंसेप्टस जो है वो वहां जाके इम्प्लांट हो जाता है ऑन द सेप्टम तो फिर वो आगे चलता नहीं है, वहां से वो अपनी वहां से बहुत पोअर प्लेसेंटेशन होती है एंड द प्रेगनेंसी इज लॉस्ट एट एन अर्ली स्टेज, और ये सेप्टेड के साथ फिर बाइकॉर्नुएट भी, बाइकॉर्नुएट की भी आगे से डिफरेंट डिग्रीज होती है, from ranging from the mild dimpling to complete to cornua formation by cornuate, ठीक है, तो उसमें जो है वो फिर उसके हिसाब से, तो ये दो मैडम बाइकॉर्नुएट और आर्कुएट ये दोनों तो सेकंड ट्राइमेस्टर नहीं कराते मिस्टर, ये ज्यादातर करती हैं, लेकिन बार दफा बाइकॉर्नुएट अगर ज्यादा स्वेर, इसमें देखो डिफरेंट ग्रेड्स है ना उसके, लेकिन मोस्ट कॉमन विल स्टिल बी द सेप्टेड यूट्रस, उसके बाद जो अगला कॉमन आता है वो बाइकॉर्नुएट ही आता है, तो बाइकॉर्नुएट जो स्वेयर डिग्री का होता है वो भी उसमें भी इस तरह से ये हो सकता है जिसमें और मैडम कहते हैं इनका ट्रीटमेंट डेवलप ना हो दूसरा डेवलप्ड हो, तो इनका ट्रीटमेंट भी अगर कर दें तो वो कोई फर्टिलिटी पे उसका खास इफेक्ट नहीं है, वो कोई नहीं, अगर अगर सेप्टम हो तो सेप्टम को तो हम रिसेक्ट कर सकते हैं ना हिस्टेरोस्कोपिकली, बाकी हम बाइकॉर्नुएट को अमूमन नहीं करते, यानी मेट्रोप्लास्टी वगैरह हम नहीं करते, तो क्योंकि मेट्रोप्लास्टी करने के बाद जब हम उसके दोनों कॉर्नुआ को कंबाइन करते हैं दरमियान में से वो निकाल के सारी उसकी वॉल, तो भी उसकी ऑब्स्टेट्रिक जो है वो उसका फ्यूचर को इतना बहुत अच्छा इम्प्रूव नहीं होता, लेकिन सेप्टेड यूट्रस में हमेशा सिस्टेरोस्कोपिकली सेप्टम को रिमूव किया जाता है, जो पार्शियल सेप्टम हो वो अमूमन इतना मसला नहीं करता, तो ये है जब सेप्टम थोड़ा सा कंप्लीट हो या ज्यादा वाइड हो तो तब उस सूरत में है, तो ये तो है इसके जो यूट्राइन एनोमली से रिलेटेड है। अब बाकी बहुत सारे केसेस में तो अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं जिसमें आपको कोई वजह नहीं मिलती, अगर वजह मिल जाए तो बहुत आसान है। अब खासतौर पे अगर अगर ये जो हम अभी साइटोजेनेटिक एनालिसिस की बात कर रहे थे कि एनयूप्लॉइडी है या उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, फर्ज किया उस पर कोई एनोमली डिटेक्ट नहीं होती आरपीओसीज पे, तो फिर ज्यादा मसला है, क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि इसमें जो ज्यादा कॉमन कॉज है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसमें कोई मटर्नल पैथोलॉजी है जो कि मौजूद रहेगी और जिसमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस मटर्नल पैथोलॉजी को फिर हमने ढूंढना होता है। मटर्नल पैथोलॉजी में यही सारी चीजें जो आप लोगों ने बताई ये सब की सब इसमें आ जाएंगी, और उसमें वो पूरा फिर डिटेल में आपने सारी स्क्रीनिंग भी करनी होगी, इसमें बाद दफा इवन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का भी रोल आ जाता है, जैसे विटामिन डी है, विटामिन बी12 है, सिलीनियम है, ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो कि जिसमें अगर हम सप्लीमेंट्स दे दें तो भी उसमें फर्क पड़ जाता है, लेकिन जहां पे अनएक्सप्लेन्ड होता है वहां पे फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डेफिनेटली बहुत कम वेट या बहुत ज्यादा वेट दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी BMI 18 से कम और 25 से ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ब्रिस्क एक्सरसाइज जो बहुत जिम्नास्टिक या जो बहुत वो होती है, ब्रिस्क एक्सरसाइज करना वो भी किसी हद तक इसको इफेक्ट करता है, और इसके अलावा जो इवन कैफीन इनटेक आप 3 कप से ज्यादा ना लें, ये भी एक चीज है जो उसमें एक रोल अपना प्ले करती है, तो ये सब चीजें हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाएंगी, एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ ये सब चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। अब जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का फैक्टर है वो उसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में टोटली आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है या इवन जो केमिकल पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन जरूरी नहीं होता कि आप किसी केमिकल को एक्सपोज ही हो, इवन बाज दफा हमारी ये पर्सनल हैबिट्स भी होती हैं, इवन द हाउस होल्ड यूज के जो केमिकल्स होते हैं दीज कैन अफेक्ट। अब जैसे हम अगर मेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ज्यादा हम ये क्वेश्चन हमेशा पूछते भी हैं कि कोई पेस्टिसाइड्स का या इंसेक्टिसाइड्स का रोल, या उसमें जो टैनरी इंडस्ट्री है, या जो रेडिएशन एक्सपोजर है एंड ऑल दैट, वो सब चीजें अपनी जगह हैं, और वहां पे डेफिनेटली एक हिस्ट्री होती है पेशेंट के हस्बैंड के प्रोफेशन की, बट व्हाट अबाउट द फीमेल्स,
फीमेल्स अगर वर्किंग फीमेल्स नहीं है एट होम इवन दे आर एक्सपोज टू मेनी केमिकल्स और उन केमिकल्स में इवन जो इंसेक्टिसाइड स्प्रेस हैं वो आ जाते हैं ये कितना कॉमनली यूज होता है और इसके अलावा इवन जो हमारे डे टू डे यूज की बहुत सारी चीजें होती हैं वो भी केमिकल एक्सपोजर्स में आ जाती हैं अब राइजिंग रेट ऑफ इनफर्टिलिटी is basically linked to this chemical. Ab we are living in an environment which is full of chemical pollution. Radiation exposure bahut hai. To ye environmental mein bhi radiations bahut hoti hain. To ye isiliye isme jo role hai wo aa jata hai antioxidants ka. Both for males and females. तो इसलिए जब भी किसी इनफर्टाइल कपल को ट्रीट करें या जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस वाले पेशेंट को ट्रीट करें वहां पे खास तौर पे जो जिनके ट्रीटमेंट भी इतनी नहीं सक्सेसफुल हो रही होती वहां पे एंटीऑक्सीडेंट्स मेल और फीमेल दोनों को जरूर दे दिया करें और इसमें अगर इसके साथ साथ जो केमिकल एक्सपोजर की ही जो बात हो रही है इसमें एक चीज जो है वो डिक्लाइनिंग इनफर्टिलिटी की जो मैंने बात की दैट इज रिलेटेड विद द डिक्रीजिंग ओवेरियन रिजर्व इन द फीमेल्स एंड रिलेटेड विद द स्पर्म डिलीशन इफेक्ट्स ऑन इन द मेल्स यानी ये जो है ओवेरियन रिजर्व भी ये कम करता है केमिकल पोल्यूशन तो एक ऐसा पेशेंट जो इनफर्टाइल भी है या जिसमें ना भी इनफर्टाइल स्पॉन्टेनियस उसकी कंसेप्शन हो रही है बट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज हो रहे हैं वहां पे जो जिनके ऑलरेडी कम ओवेरियन रिजर्व होते हैं उनमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं बिकॉज इन दोज केसेस जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं वो इतनी ज्यादा नहीं बन रही होती या ओवेरियन स्टीरॉइड्स इतने बेहतर नहीं बन रहे होते और उसके नतीजे में एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो बहुत कम होती है क्योंकि for an effective implantation and for a successful pregnancy to go on jo ek adequate endometrial thickness hai uska hona bhi zaruri hai to isiliye baaz dafa jo pehle waqton mein to ye hota tha aur ab bhi kahin kahin pe hota hai ki jab aap ovulation induction dete hain to uske sath baaz dafa low dose estrogen bhi combine kar di jati thi to increase the endometrial thickness तो इसलिए जो है वो एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाने वैसे ये है कि हम जो ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट्स यूज करते हैं उनमें जो एरोमेटेज है लेट्रोजोल वगैरह हैं ये ऑलरेडी दीज आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एंडोमेट्रियल थिकनेस जबकि प्रोलिफेन या क्लोमिड वगैरह ये क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियल थिकनेस का जो है वो बेनिफिट हमें अचीव नहीं होता लेकिन ये है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस इसी वजह से हम जहाँ पे फॉलिकल साइज देखते हैं वहां पे एंडोमेट्रियल थिकनेस जरूर देखते हैं बिकॉज एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन या एट द टाइम ऑफ जो इसकी फर्टिलाइजेशन है उस वक्त एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर 6-7-8 मिलीमीटर हो तो दैट इज वेरी गुड उसमें जो इम्प्लांटेशन सक्सेस है वो ज्यादा बेहतर होती है या फिर ऑनवर्ड प्रेगनेंसी फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं लेस देन 5 मिलीमीटर हो तो उसमें बाद दफा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी लॉसेस भी हो जाते हैं तो ये तो थी जो दो चार चीजें जो कि इसके अलावा थी तो इसमें और कोई अगर क्वेरी रह गई हो तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं मैम एक क्वेश्चन प्लीज हमने कहा कि अगर पेशेंट लोपिन ले रही है तो हम उसको 2-3 दिन के लिए स्टॉप करें जब उसकी स्पॉटिंग चल रही है जब वो सेटल हो जाएगी तो हम अगेन लोपिन स्टार्ट कर दें अगर एक पेशेंट लोपिन और क्लैक्सिन दोनों पे है और उसको स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई तो हम कब तक उसको स्टॉप करें देखो बार दफा हम ये समझते हैं कि इवन जो रिकरेंट एब्रप्शन का भी केस होता है रिकरेंट एब्रप्शन जो होती है प्लेसेंटल एब्रप्शन आपने बास केसेस ऐसे देखे होंगे कि एक एक पेशेंट एक दफा हुआ फिर उसके बाद दूसरी दफा हुआ फिर तीसरी दफा हुआ हर दफा प्रेगनेंसी में पेशेंट को रिकरेंट जो है वो प्लेसेंटल एब्रप्शन होती है तो जो रिकरेंट प्लेसेंटल एब्रप्शन है दैट इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ प्लेसेंटल इनसफिशियंसी दैट इज बेसिकली द एंड रिजल्ट ऑफ प्लेसेंटल इनसफिशियंसी क्योंकि प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है उसमें जो है वो इस्कीमिक चेंजेस आती हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं वो मेटर्नल हाइपरटेंशन भी करते हैं मेटर्नल हाइपरटेंशन एज वेल एज द लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दैट लीड्स टू प्लेसेंटल एब्रप्शन तो उस प्लेसेंटल इनसफिशियंसी को कम करने का तरीका लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन भी है
तो इसी वजह से प्लेसेंटल रिकरेंट प्लेसेंटल एब्रप्शन के केसेस में ड्यू टू पुअर प्लेसेंटल प्लेसेंटेशन का एक इलाज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देना भी है। तो इस वजह से हम ये कहें कि प्लेसेंटल एब्रप्शन होगी उसके ऊपर हम और ज्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है, बेसिकली वी आर नॉट टारगेटिंग द इफेक्ट, वी आर टारगेटिंग द बेसिक पैथोलॉजी। So is with the use of anticoagulants in a low dose in the patients with APLS. हमने उस lupus anticoagulant का effect antagonize करना है जो कि उस वक्त placental dysfunction कर रहा होता है। तो इसमें जो है वो अब जाहिर है, अगर हम इसको suppose ये patient off and on spotting के साथ है, heavy bleeding हो जाए, you have to stop all the medicines. यानी except for progestogens आप उसको हैवी ब्लीडिंग हो गई है आप उसका रोक दें, उसके जो लोपरिन है और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दोनों को रोकना पड़ता है। लेकिन जो ऑफ एंड ऑन स्पॉटिंग है, क्योंकि कंडीशन इसमें ये थी कि इसमें जस्ट वंस और ट्वाइस इसको एक ऑफ स्पॉटिंग हो जाती है एक हफ्ते में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है उसको कंटिन्यू करने में। तो इसलिए हमने इसको सिर्फ जस्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ इट, हमने लोप्रिन को अगर हम दो चार दिनों के लिए बंद कर देंगे तो उसे कोई इफेक्ट नहीं, उसे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है वो हमने स्टार्ट भी कर दी और वो हमने उसको कंटिन्यू भी किया, तो इसलिए जो है इसको समझने की जरूरत है। मैम इट मींस कि स्पॉटिंग में हम लोपिन को स्टॉप कर दें लेकिन क्लैक्सिन को कंटिन्यू रखें अंटिल वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसका देखो इफेक्ट लंबा प्रोलॉन्ग होता है, एंटेगोनाइज करना उसको मुश्किल होता है सपोज अगर हैवी ब्लीडिंग हो, और फिर ये प्लेटलेट एग्रीगेशन बेसिकली प्लेटलेट एग्रीगेशन को इफेक्ट कर रहा होता है, तो इस वजह से फिर इसको हम आप कुछ दिन के लिए बंद कर दें और बाकी इसको फिर चलाते रहें। APLS का इलाज प्राइमरी इलाज ही ये है कि हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे हम जाएं, और अगर फर्ज किया पेशेंट की ज्यादा ब्लीडिंग हैवी हो जाती है और हमें इसको स्टॉप करना पड़ता है लेकिन अभी कार्डियक एक्टिविटी और प्रेगनेंसी इंटैक्ट है, तो उस सूरत में वी विल गो फॉर द अदर थेरेपीज, क्योंकि पेशेंट की ब्लीडिंग अगर स्टॉप नहीं हो रही तो उसमें आपने इसको जो है वो आप उसको दें ये जो है स्टीरॉइड्स पे अभी आप डाल सकते हैं, HCQ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपने इसकी ट्रीटमेंट इस तरह से करनी होती है, यानी जो नेक्स्ट ऑप्शन इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन होंगी फिर हम उसकी तरफ स्विच ऑन कर जाएं। अच्छा मैडम मेरा एक क्वेश्चन, कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा मैडम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अब पेशेंट आ गया मैडम जी, जी मैडम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एक पेशेंट है वो यूट्राइन एनोमली के साथ आई है और प्रेगनेंसी का डायग्नोस हुआ है, हेलो हरी मुझे आपकी आवाज बेटा बहुत वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही। अच्छा मैडम एक पेशेंट है वो यूट्राइन अनोमली के साथ प्रेजेंट हुई है और उसको प्रेगनेंसी में ही डायग्नोस हुआ है, तो फिर हम उस प्रेगनेंसी को उसको किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे और फिर क्या उसके लिए प्रिकॉशंस करेंगे कि वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो जाए। देखो एक तो आपने यूट्राइन अनोमली को डायग्नोस किया आउट ऑफ प्रेगनेंसी, अगर बाई कॉर्नर भी है तो कोई मसला नहीं है, अगर उसमें सेप्टेट यूट्रस है और सेप्टेट यूट्रस की वजह से आप समझते हैं कि ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो गया तो उसको उसकी ट्रीटमेंट ऑफर कर दें उसको, या इसके अलावा भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं यूट्राइन शेप में, यानी कोई पॉलिप है या कोई बड़ा सा एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड है तो आप उसको ट्रीट करें, ऑल कैन बी डेल्ट विद बाय हिस्टरोस्कोपी। तो आपने हिस्टरोस्कोपी से ये सारे मसले उसके मैनेज करने हैं, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी में डायग्नोस हो गया है तो फिर आपने उसको कुछ नहीं करना, यू हैव टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। लेकिन चूंकि यूट्राइन एनोमली में APLS वाला मसला नहीं है, अगर वो सारा आपने स्क्रीन कर लिया हुआ, क्योंकि बाद में दो तीन पैथोलॉजी कंबाइन भी हो सकती है, और कोई और मसला नहीं है सिर्फ यूट्राइन एनोमली है, द बेस्ट ट्रीटमेंट वुड बी टू गिव हाई डोज प्रोजेस्टोजन, क्योंकि उसमें जाहिर है वो उसको कैरी नहीं कर सकता, इसमें बेसिकली सेप्टेड यूट्रस के साथ जरा प्रोजेस्टोजन भी इतने बहुत इफेक्टिव नहीं रहते, लेकिन अगर बाई कॉर्नोइट है या और किसी तरह की एनोमली है तो फिर आप उसको उसको प्रोजेस्टोजन ट्रीटमेंट के साथ लेके चल सकते हैं। तो सेप्टेड के साथ अगर लकीली वो सेप्टा से हट के इम्प्लांट हो गया तो फिर तो वो चला जाएगा, वो तो फिर फ्लैटन भी हो जाता है और एक साइड पे कंप्रेस भी हो जाता है सेप्टम, लेकिन अगर सेप्टम के ऊपर इम्प्लांट हो गया
तो फिर उसमें उसका प्रेगनेंसी आउटकम इतना अच्छा नहीं होता इवन बाय यूजिंग द प्रोजेस्टेरोन। मैम एक क्वेश्चन है मैम, ये अनएक्सप्लेन कॉज में ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर सपोर्टिव केयर दे दें तो 65% अनएक्सप्लेन में जो हम तो देते हैं, हम सपोर्टिव केयर वेरी फ्रैंक, हम सपोर्टिव दे रहे होते हैं, लेकिन आपकी गाइडलाइन कहती है कि इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल है, यानी अनकन्विंस्ड है, इसमें जो है वो बहुत ज्यादा इसमें इसके पीछे एविडेंस नहीं है कि अनएक्सप्लेन्ड को आप उस तरह से प्रोजेस्टेरोन दे दें, लेकिन कोई हार्म नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी ऑल गिव इट, हम उसको एक्सप्लेन में भी हम दे देते हैं। एचसीक्यू हम दे रहे हैं, ये जो एचसीक्यू हम दे रहे हैं पेशेंट को जिसमें ब्लीडिंग चल रही है, ये पेशेंट वो है जो एपीएलएस की है और उसमें एसएलई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये एपीएलएस की पेशेंट है। APLS या किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इवन अगर SLE ही है, अगर ये फर्ज किया रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, तो उन सब में ये इफेक्टिव होगी। चाहे उसको सिम्टम्स नहीं भी हैं, हमने उसको लेबोरेटरी क्राइटेरिया पे उसका लुपस वो पॉजिटिव आया है, हाँ जी, और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, लेबोरेटरी क्राइटेरिया पे दे दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। ये फर्स्ट टाइम एसएल से दे सकते हैं पेनिसिलिन? हाँ जी, ले सकते हैं, ले सकते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, हमने कहा वंस द फीटल कार्डियक एक्टिविटी इज कंफर्मड, जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, लोपरिन प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, फीटल कार्डियक एक्टिविटी आ गई, और बहुत ऐसा है कि पिछली दफा आपने उस पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और लोपरिन और उस पे चलाया लेकिन फेल हो गया, तो इस टाइम पे फिर आपने उसको एचसीक्यू या स्टेरॉइड, दोनों कंबाइन नहीं, वन बाय वन, तो उस वक्त जब एफसीए पॉजिटिव आ जाए फिर आप उसको ये स्टार्ट कर देते हैं, और अगर ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं तो रोल कॉन्ट्रासेप्शन जी कॉन्ट्रासेप्शन का मैम बता दें, आप अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है या वीकली पॉजिटिव एपीएलएस है तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या देनी चाहिए? देखो इसमें फिर थ्रोम्बोजेनिक वाले यानी हार्मोनल फैक्टर्स तो आप नहीं दोगे, ठीक है, और उसमें फिर आपने लोकल आप ट्रीटमेंट दे सकते हो या फिर इसमें जो वो आप ट्राई कर सकते हो, ये चीजें तो अपनी जगह हो, उसमें इतना इफेक्ट नहीं होता। ठीक है मैडम, ये जो हमने कहा कि मैम एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, जो हमने कहा रिकरेंट मिसकैरेजेस था, ये जो केस था और एपीएलएस भी कंफर्म था, हमने क्लैक्सन की हाई डोज स्टार्ट करनी है या नॉर्मल जो डोज होती है अकॉर्डिंग टू वेट वो वाली करनी है? हाई डोज जो 1 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वाला होता है। देखो इसमें जो जिस पेशेंट को, अब इसमें एक रूल ये होता है कि इसके 4 प्रेगनेंसी लॉसेस तो हैं ही हैं, ठीक है, ये एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन अगर इस पेशेंट को थ्रोम्बोसिस या कोई डीवी, अगर इसको पहले डीवीटी या थ्रोम्बोसिस की कोई हिस्ट्री है तो आप इसको इसको थेरेप्यूटिक डोज में करोगे। दिस इज अ सिंपल रूल, क्योंकि प्रोफाइल थेरेप्यूटिक आपने देना है जब कभी इसको डीबीटी हुई हो या उसको कभी आउट ऑफ प्रेगनेंसी या विद प्रेगनेंसी, तो फिर आपने थेरेप्यूटिक जो 1 mg/kg बॉडी वेट बनता है अगर, और प्रोफाइलेक्टिक देना है जब उसको ये सारा कुछ तो हो लेकिन पहले कोई थ्रोम्बोजेनिक उस तरह से एपिसोड्स ना हुए, जो के तकरीबन बन जाती है 0.5 to 0.6 mg/kg ऑफ बॉडी वेट, ये प्रोफाइलेक्टिक डोज बनती है तकरीबन। मैडम ये तो डायग्नोस्ड केस था एपीएलएस का, इस वजह से इसमें मैंने डायग्नोस्ड किया, लेकिन इसमें देखो हमने सिर्फ एक ज्यादा मेन रिस्क इसको डायग्नोज किया और हम इसीलिए इसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे हैं, वरना डायग्नोज ना होता तो उसकी जरूरत ही ना होती, लेकिन प्रोफाइलेक्टिक हम इसमें इसलिए दे रहे हैं कि इसको पहले कभी डीबीटी नहीं हुई, इसको पहले कभी थ्रोम्बोजेनिक एपिसोड्स नहीं हुए, तो इस वजह से हमने इसको प्रोफाइलेक्टिक दिया। अगर इसको होता कि पिछली प्रेगनेंसी में या फर्स्ट किया 2 साल पहले आफ्टर द प्रेगनेंसी वाज ओवर इसको एक डीबीटी हो गया तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, तो उस सूरत में फिर जिसको मैडम थेरेप्यूटिक देते हैं उसमें ये वाला रूल है कि फर्स्ट 3 to 6 months आप थेरेप्यूटिक दे के फिर उसको प्रोफाइलेक्टिक पे चेंज करें या थ्रू आउट थेरेपी? नहीं ऐसा तो नहीं है, इसको तो वो फिर पूरा देना पड़ेगा आखिर तक और उसको बाद में भी चलाना पड़ेगा।
डिलीवरी के बाद भी चलाना पड़ेगा, सिर्फ आप उस टाइम पीरियड के लिए स्टॉप करते हैं जिसमें उसने डिलीवर होना। ठीक है मैडम, ठीक है प्रेगनेंसी लॉस में टॉर्च प्रोफाइल करवाएंगे, क्या करवाएंगे? अच्छा टॉर्च प्रोफाइल, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली टॉर्च प्रोफाइल इज अनदर ग्रे एरिया। अब ये टॉर्च स्क्रीनिंग जो है ये रिकरेंट अबॉर्शन में, अमूमन ये जितने भी इन्फेक्शन टॉर्च में आते हैं हम उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उनमें दो तीन इन्फेक्शन ऐसे हैं जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसिस में किसी हद तक हम कह सकते हैं उसका रोल है, नॉट डेफिनेटली। टॉर्च इन्फेक्शन जो है वो वन टाइम स्पोरैडिक अबॉर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसिस में रोल उनका कम से कम होता जाता है। लेकिन कभी कभी जो टॉक्सोप्लाज्मा के जो प्रोटोजोआ हैं वो एनसिस्टेड फॉर्म में एंडोमीट्रियम के साथ लगे रह जाते हैं या वहां पे होता है, ये फिर रप्चर होते हैं जब प्लेसेंटेशन वाला प्रोसेस चल रहा होता है, तो वो फिर उस वक्त एंडोमीट्राइटिस जो करते हैं तो वो रिकरेंट अबॉर्शन की तरफ लेके जाती है चीज। तो या फिर जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है उसमें रीएक्टिवेशन होती है वायरसेस की, तो रीएक्टिवेशन वाले जो वायरसेस हैं वो भी कर सकते हैं। अब रुबेला तो नहीं करता है ना, रुबेला हर दफा उसकी तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। अलबत्ता सिफिलिस, जिन कंट्रीज में सिफिलिस ज्यादा कॉमन है, हमारी कंट्रीज में इतनी नहीं है, लेकिन जिनमें कॉमन है सिफिलिस इज अनदर थिंग जो कि वो होती है, लेकिन सिफिलिस इज नेवर विदाउट सिम्टम्स। तो सिफिलिस के साथ हमेशा आपको मेटरनल सिम्टम्स भी मिल जाएंगे, कोई स्किन लिगेंड्स मिल जाएंगे या कुछ और चीजें हो जाएंगी लॉन्ग स्टैंडिंग सिफिलिस के साथ, वहां पे तो आपने उसके अपने मेरिट पे भी उसको डायग्नोस करना होता है। तो लेकिन ये है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसिस में जहाँ आपको और कोई वजह ना मिल रही हो, इसीलिए जब हम आरपीओसीज का टेस्ट करवाते हैं ना कैरियोटाइपिंग के लिए, वहां पे उसको इन्फेक्शन की स्क्रीन के लिए भी करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम टॉर्च स्क्रीनिंग बाकी इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। यूरिया प्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है, इवन क्लेमीडिया है, क्लेमीडिया ट्राइकोमोटस है, या डिफरेंट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है तो, या गोनोरिया है, ये सारे भी कर सकते हैं अगर हम उनको ट्रीट नहीं करते तो। तो इसलिए जो है वो इसको इसका बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग या उसमें उस तरह से इसको हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे नहीं लेके आते। दिस डिफर्स फ्रॉम केस टू केस, तो इसका केस टू केस सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलेंगे। जो मैडम आपने कहा कि हम आरपीओसीज को भेजते हैं, जो वो क्या क्या लिखकर भेजना होता है, हमने तो आज तक भेजा नहीं। बेसिकली तो हिस्टोपैथोलॉजी उसमें दो तीन चीजें देखनी होती है ना, कि मोलर तो नहीं है, मोलर इज अनदर थिंग जो के हो सकती है अबॉर्शन की वजह। फिर उसमें बेसिकली हमने उसमें साइटोजेनेटिक एनालिसिस करना होता है, फिर उसमें इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करनी होती है। ये तीन चार चीजें होती हैं जो हमने उसमें देखनी होती है। ठीक है, इन्फेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे अगर आ जाते फर्ज किया बार दफा आरपीओसी थे वो बता भी देते हैं, इसका मतलब है कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन या एंडोमेट्राइटिस या उस तरह की कोई चीज है विच नीड्स टू बी ट्रीटेड बिफोर द नेक्स्ट कंसेप्शन। तो इसलिए वहां पे फिर हम कल्चर स्टडीज के हिसाब से वो करके जो है वो करते हैं, या कुछ लोग इसमें वाइब्रोमाइसिन वैसे भी दे देते हैं। थैंक यू मैम, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है आप लोगों ने? मैडम आरएच नेगेटिव रख लें, आरएच इनकंपैटिबिलिटी, मैडम आरएच इनकंपैटिबिलिटी। ठीक है, आरएच इनकंपैटिबिलिटी पे सब लोग एग्रीड हैं या मैम ये एग्जाम में जरूर आता है? ठीक है, चलो आरएच इनकंपैटिबिलिटी पे बात कर लेंगे। ठीक है, लास्ट प्लीज, ये जो आपने हिस्टोपैथोलॉजी वाली बात कही है इसको सेपरेट लिखकर भेजें हम, कैरियोटाइपिंग इन्फेक्शन फ्लां फ्लां, या सिंपल हिस्टोपैथोलॉजी लिखकर भेजें तो अनफ है। बात ये है कि हिस्टोपैथोलॉजी पे आप उसमें टाइप ऑफ टिश्यू तो देख लेते हो कि विलाए हैं नहीं है या इन्फेक्टेड है या नहीं है या मोलर तो नहीं है, लेकिन साइटोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो तो बड़ी हाईटेक स्टडीज होती है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री चाहिए होती है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती, कैरियोटाइपिंग की हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए जो है वो आप होना तो चाहिए हर एक का, लेकिन वो फिर स्पेशल लैब टेस्ट है, तो लिख अगर हो जाए तो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें पता तो चल जाएगा ना कम अज कम। ठीक है, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू, ओके।